अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने मंगवाया है आईफोन 14 प्लस, सब ले रहे थे हमने कहा भी चेक करें क्या ख़ास बात है इसमें। ये जी आईफोन 14 प्लस, ये इसका बॉक्स, हम देखते हैं इसको पहले। ये इसका हमने चार्जर परचेज़ किया है, 20 वाट फास्ट चार्जिंग केबल के साथ एक चार्जर परचेज़ किया है। चार्जर के साथ साथ एक एयरपॉड्स प्रो एप्पल की मास्टर कॉपी हेडफोन्स हमने मंगवाए हैं। ये कुछ इसमें पेपर्स वगैरह पड़े हैं, इसका मैनुअल है। अच्छा, 12 मंथ वारंटी के साथ है, 12 मंथ की वारंटी है इसकी, बिल्कुल एप्पल के ओरिजिनल एयरपॉड्स की तरह का इसका सेटअप है। प्रेजेंटेशन भी काफ़ी खूबसूरत है भाई, प्रोफेशनल डिज़ाइन किया है, बिल्कुल जैसा कि एप्पल की ओरिजिनल एसेसरीज होती हैं, सेम एज इट इज़ ये है। साथ एक्स्ट्रा इन्होंने एयरबड्स भी दिए हैं। इसकी क्वालिटी है काफ़ी फाइन क्वालिटी है, ऑलमोस्ट एप्पल के ओरिजिनल एयरबड्स की तरह ही है। ये इसकी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, अभी यूज़ करके देखते हैं कैसा है। अनबॉक्सिंग की हमने वीडियो आईफोन की नहीं बनाई अभी तक, शो ऑफ करके क्या दिखाना। तो इसका पूरा मैनुअल है, वाह भाई, डायग्राम भी एप्पल की ओरिजिनल बनाई है, अच्छा है। ये आईफोन 14 प्लस है जिसके साथ हमने ये सारी एसेसरीज बाकी भी परचेज़ की हैं। इसका चार्जर है, क्योंकि आईफोन में तो चार्जर आता कोई नहीं है, सिर्फ एक सी टाइप केबल आती है। ये कुछ बेल्ट वगैरह पड़े हैं इसके, यहाँ पर सी टाइप केबल थी हमने निकाल ली है। एप्पल के कुछ पेपर और ओरिजिनल, एक तो चीज़ मुझे बहुत पसंद है एप्पल का ओरिजिनल इसमें स्टिकर। अच्छा, मैनुअल्स हैं, पेपर वर्क। अनबॉक्सिंग तो नहीं की हमने, लेकिन ये इसका ओरिजिनल जो एप्पल के ऊपर पैड आता है ये वो है। अब हम देखते हैं कि ये क्या ख़ास बात है इसमें 14 प्लस। 14 प्लस की सबसे ख़ास बात ये है कि ये साइज़ में 14 प्रो मैक्स के बराबर है, यानी 6.7 इंच स्क्रीन में आता है। और एप्पल के सिग्नेचर 3 कैमरा तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2 कैमराज अवेलेबल हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ज़बरदस्त है। फोकल लेंथ वगैरह भी अच्छी है, अपर्चर भी अच्छा है, और ISO भी बहुत अच्छा है। फिर एप्पल की सिग्नेचर जो साइड का इसका रिंग है वो अच्छा, याद रहे कि ये जो हमने परचेज़ किया है ये है LLA मॉडल, यानी लॉस एंजल्स का मॉडल। तो इसमें 2 eSIM हैं, तो यहाँ पे सिम की ओपनिंग कोई नहीं है, लेकिन जो दुबई के मॉडल्स हैं वहाँ पर एक eSIM आती है और एक फ़िज़िकल सिम आती है। और जो हांगकॉन्ग की मॉडल्स हैं यानी BA मॉडल्स, उसमें दोनों जो हैं वो फिज़िकल सिम्स की स्लॉट अवेलेबल है, क्योंकि ये LLA मॉडल है, ये अमेरिकन मॉडल है, तो यहाँ पर इसमें सिम नहीं डलती। ये हमने रिसेंटली परचेज़ किया है, अगर किसी को चाहिए तो क्वांटिटी अवेलेबल है, हम दे सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी को अवेलेबल है तो हम एड्रेस देते हैं, आप यहाँ से आके परचेज़ कर सकते हैं। एप्पल का लोगो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर मौजूद है, जो कि इसका सिग्नेचर है। हाँ, यहाँ पर बस इसकी जो राइटिंग है वो काफ़ी आईफोन 11 से इन्होंने ख़त्म कर दी है। यहाँ पर पूरी जो इनकी टैगलाइन मेड इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना, और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये वॉल्यूम अप डाउन रिंगर है, ये लॉक बटन सेंसर है, और फ्लैश, ये 2 कैमराज अवेलेबल हैं। ये इसका यूज़र इंटरफेस है, 60 हर्ट्ज सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है इसका। अच्छा, इसमें सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि एप्पल ने क्लेम किया है कि आईफोन 14 प्लस में अब तक की सबसे अच्छी बैटरी है। मैं ख़ुद पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और ख़ासियत ये है कि ये इतने यूज़ करने के बाद भी 2 दिन आराम से चलता है। ये देख सकते हैं 60 हर्ट्ज है, लेकिन इसका रिफ्रेश रेट किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस से बहुत अच्छा है। 60 हर्ट्ज होने के बावजूद ये एंड्रॉयड डिवाइस से काफ़ी बेहतर है। ये इसका स्क्रीन टाइम और बाकी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये 26 अगस्त आज की डेट, और इसके साथ साथ इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो एप्लीकेशन मैंने यूज़ की हैं, साउंड क्लाउड सेटिंग्स, कैमरा, फोटोज एक्सेट्रा वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। ये मोस्ट यूज़ ऐप में दिखा रहा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और साउंड क्लाउड और बाकी सारी चीज़ें। और ये वीकली बेसिस पर था, डेली एवरेज बता रहा है, और ये सिर्फ आज की बता रहा है कि आज सुबह से अब तक 1 घंटा और 34 मिनट हम यूज़ कर चुके हैं इसको, 1.5 घंटे के करीब। और सोशल में हमने 51 मिनट्स यूज़ किया, एंटरटेनमेंट में 14 मिनट्स, और बाकी क्रिएटिविटी में 6 मिनट्स। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये सारा डिटेल आ रही है।
अच्छा, इसकी सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये साथ साथ बैटरी कंजप्शन भी बताता है कि अब तक आप कितनी बैटरी यूज़ कर सकते हैं कर चुके हैं। 1 घंटा और 52 मिनट्स की अभी दिखा रहा है यहाँ पर यूजेज की। अच्छा, ये मैंने परसों चार्ज किया था और अभी इस टाइम ये मौजूद है 66% पे। यहाँ से इसका कंट्रोल बार, टास्क बार आता है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये सारे नोटिफिकेशन अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये आगे इसका टास्क बार, यहाँ पर इसकी ब्लूटूथ, एयरप्लेन मोड, वाईफाई, एयर ड्रॉप, वो सारी चीज़ें। यहाँ से आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये असिस्टिव कंट्रोल है, मैंने खुद सेट किया है। इसका टू टोन है, बिल्कुल ही डल है। ये मैक्स ब्राइटनेस है, ठीक है। अब मैक्स ब्राइटनेस पे इसका रिफ्रेश रेट किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस से काफ़ी बेहतर है। एंड्रॉयड डिवाइस का जो है 120 हर्ट्स भी इसके 60 हर्ट्स को मैच नहीं कर सकता। बहुत मज़े की डिवाइस है। ठीक है, जनरल में जाके थोड़ी सी देख लेते हैं इसका। ये देख सकते हैं आईफोन, iOS वर्जन है 16.1, आईफोन 14 प्लस, LLE मॉडल, और बाकी इसके साथ सीरियल नंबर्स वगैरह। ऑफिशियल वारंटी है एप्पल की, जो कि 12 अगस्त 2024 तक वैलिड है। ठीक है, ये हमने खुद एक्टिव किया है। ये सारी कैपेसिटी बता रहा है, 128 GB इसमें स्पेस है, कितने वीडियोस, फोटोज, एप्लीकेशन वगैरह, इस सारी चीज़ों का डाटा है। ठीक है, ये आ गई इसकी बैटरी यूजेज, और यहाँ से आप इसकी चेक कर सकते हैं बैटरी हेल्थ। इस टाइम इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 100% है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल ही नया फ़ोन है, इस वजह से 100% शो कर रहा है। अभी हम इसको एंड्रॉयड सॉरी अभी हमने इसको एयरप्लेन मोड पर लगाया, यहाँ से पीक परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी का पता चल जाता है। ये एनालिसिस है इसका, जो कि एप्पल ने खुद किया है, कि कौन सी एप्लीकेशन कितने टाइम यूज़ हुई है और कितने परसेंट बैटरी उसने डिस्चार्ज की है। बैटरी ड्रेन है जिसकी एप्पल के तमाम डिवाइसेस से काफ़ी कम है। एप्पल क्लेम करता है कि जो लॉन्गेस्ट बैटरी है वो इसमें आईफोन 14 में है। लॉन्गेस्ट बैटरी वाली जो कहानी है वो चल के देखते हैं एप्पल के अपने स्टोर पे, एप्पल की वेबसाइट क्या कहती है इस हवाले से। ये देख लेते हैं एप्पल की वेबसाइट पे, एप्पल की वेबसाइट क्या बता रही है। यहाँ से हम इसको सेट करते हैं आईफोन 14 पे जाके, बताए क्या रिपोर्ट है। अच्छा जी, तो ये आईफोन 14 और 14 प्लस के बारे में आ गया। ये 14 प्लस का साइज़ आ गया, 6.1 आईफोन 14 का नॉर्मल साइज़ है और 6.7 आईफोन 14 प्लस का साइज़ है। अच्छा, साथ ही साथ ये क्लेम कर रहे हैं कि लॉन्गेस्ट बैटरी लाइफ ऑफ एनी आईफोन एवर। एप्पल इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि अब तक के जितने आईफोन्स हैं उसमें सबसे अच्छी बैटरी जो है वो 14 प्लस की है। साथ ही साथ एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पर मैंशन किया, टफर देन एनी स्मार्टफोन ग्लास, यानी जितने भी स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं उसमें से सबसे जो मज़बूत ग्लास है वो आईफोन 14 में आया है। इसमें 14 प्लस की बात नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ 14 की बात करूँ। हाँ, शेकी वीडियोज़ के बारे में जहाँ तक बात है तो वो 14 प्लस का जो एक्शन मोड है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का एक्शन मोड है। यहाँ पे आप इसको यूज़ करें, मैंने खुद इसको पर्सनली यूज़ किया, वॉकिंग में भी यूज़ किया, रनिंग करते हुए भी यूज़ किया, इसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए। आप लोगों को वीडियो शेयर करने से पहले इसको सारी टेस्टिंग मैंने खुद की है। तो इसका जो एक्शन मोड है उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टेबलाइजेशन है, सैमसंग से ज़्यादा बेहतर स्टेबलाइज करता है वीडियो को, और वीडियो में किसी किस्म का लैग नहीं आता। एप्पल ने एक काम और यहाँ पर यह किया है कि इससे पहले जो मॉडल से निकालता था उसमें आईफोन 12 के साथ मिनी और 13 के साथ मिनी निकाला था, लॉन्च किया था, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ ये की है कि जब 14 प्लस निकाला तो मिनी सीरीज़ ख़त्म कर दी। यानी आईफोन 12 के साथ जिस तरह मिनी आया था और इसी तरह 14 के साथ 13 के साथ मिनी आया था, तो 14 में एप्पल ने मिनी नहीं बल्कि प्लस साइज़ निकाला। फोर्टीन प्लस 6.7 इंचेस स्क्रीन है, दो कैमरे, आईफोन का सिग्नेचर पीछे लोगो, ये इसकी फ्लैट सरफेस साइड्स, यहाँ पे इसकी सिम की ओपनिंग होती थी, लेकिन क्योंकि LLA मॉडल है इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो US मॉडल्स हैं सॉरी UK मॉडल्स हैं उसमें अवेलेबल है। और UK मॉडल के अलावा साथ साथ जो दुबई के मॉडल्स हैं, दुबई के मॉडल्स में यहाँ पर एक सिम और एक ई सिम की जगह, यानी एक फ़िज़िकल और एक ई सिम, लेकिन हांगकॉन्ग मॉडल में दोनों फिज़िकल सिम्स की जगह है। लेकिन ये LLA मॉडल लॉस एंजल्स का मॉडल है, इसलिए यहाँ पर कोई सिम की जगह नहीं है, ये दोनों इसमें ई सिम लगती हैं जो स्कैन होकर इसमें चला सकते हैं। ये इसका यूज़र इंटरफेस है, ये यहाँ पर लॉक हो चुका है। ये अभी जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इंफ्रारेड इसकी ऑन होगी, जिसके थ्रू ये फेस अनलॉक इसका वर्क करता है। ये इंफ्रारेड है इस टाइम जो कि एक्टिव हो गई, और ये मेरा फ़ोन इस टाइम अनलॉक हो चुका है। ये देखें, ये हम वापस आ गए एप्पल की वेबसाइट पे। कलर्स अवेलेबिलिटी क्या है,
कितने इसमें कलर्स अवेलेबल हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन एप्पल ने अपने वेबसाइट पर डाली है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आईफोन 15 जो है वो भी लॉन्च होने वाला है, 12 या 13 इसकी एक्सपेक्टेड है, सितंबर 12 या सितंबर 13 में इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है लॉन्च इसकी आईफोन 15। और ये आईपैड प्रो, एप्पल की वॉचेस, एप्पल का एक प्लैटिनम कार्ड भी अवेलेबल है इस टाइम, ये देखें एक प्लैटिनम कार्ड है जो कि टाइटेनियम मेड में है, वो भी एप्पल अभी स्पॉन्सर कर रहा है इसको, ये है। और साथ ही साथ इसकी देख लेते हैं एप्पल आईफोन 15 की कब तक लॉन्च एक्सपेक्टेड है, जो कि मैंने पहले पढ़ा था उस हिसाब से तो 15 सितंबर में लॉन्च था जी हाँ, सितंबर 2023 में एक्सपेक्टेड है आईफोन 15 की लॉन्च। यहाँ पर एप्पल ने क्या किया है, एप्पल ने जिस तरह 12 मिनी, 13 मिनी और इसके अलावा आईफोन की एक स्पेशल सीरीज़ है जिसको स्पेशल एडिशन आईफोन SE कहा जाता है, उसके साथ साथ एप्पल ने इस बार जो है वो 14 प्लस इंट्रोड्यूस कराया, जिसका साइज़ जो है वो प्रो मैक्स सीरीज़ के बराबर है, बिल्कुल 6.7 इंचेज़ है प्रो मैक्स सीरीज़ के बराबर। लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें कुछ फीचर्स उन्होंने थोड़े से कम करते हुए ट्रेड डाउन और ट्रेड अप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी फीचर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, कुछ कम है। अच्छा, यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाएगा फ़ोन, इसको प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट ले लेगा, ऐसे इस टाइम स्क्रीनशॉट आ गए। कैमरा रिजल्ट और बाकी चीज़ें इस पर डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कैमरा क्या कहता है इसका। अच्छा कैमरा है, काफ़ी अच्छा कैमरा है, इतना कोई फॉल्टी नहीं है, ये इंफ्रारेड इसका एक्टिव हो गया, ठीक है। कैमरा इसका जूम कैसा है, ये अभी पिक्चर लिया, एक ज़बरदस्त कैमरा क्वालिटी है, ठीक है। मैक्रो में करके देखते हैं मैक्रो में क्या रिज़ल्ट देता है। ये इसका मैक्रो का रिज़ल्ट है, ठीक है। क्लैरिटी है पिक्चर में, काफ़ी क्लैरिटी है और पिक्चर के साथ साथ ज़बरदस्त कलर्स दे रहा है, अभी मेरे इस कैमरे से ज़्यादा बेहतर इसके कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये हमने इसका फोकस किया लॉक और ये पिक्चर बनाई, पबजी लोड टाइम क्या है आजकल, क्योंकि गेमिंग का बहुत ट्रेंड है, देखते हैं पबजी लोड टाइम क्या है इसका। और ये पबजी लोड हो चुकी है, वाह, ठीक है। इसके साथ साथ ये इसकी म्यूजिक लाइब्रेरी है, ठीक है। यहाँ से हम इसके साउंड क्लाउड में देख लेते हैं, ये साउंड क्लाउड की इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। यूट्यूब, मतलब ओवरऑल इस डिवाइस को अगर मैं रेट करूँगा तो 10/10 करूँगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्मूथ, अच्छी कैमरा सेट में भी अच्छी है और बहुत ज़बरदस्त है। मार्केट में ये डिवाइस इस तरह इतनी आम नहीं हुई, क्योंकि लोगों को शायद इसका सिग्नेचर लुक की वजह से पसंद नहीं आया, लेकिन साइज़ अगर देखें इसका 6.7 इंच इसका साइज़ है, और इसके अलावा जो भी एप्पल की डिवाइसेस लोग यूज़ करते हैं उनको मालूम है कि ये काफ़ी प्रीमियम लुक है और बहुत एक अच्छी डिवाइस है। किसी को भी चाहिए हो तो क्वांटिटी अवेलेबल है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, वीडियो में कमेंट कर दें, हम आपसे रब्ता कर लेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।